हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूँ राखी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। ये है बंगाल की एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं शिमफली की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ले लिया 50 ग्राम के करीब मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब कलौंजी। कलौंजी को भी हमने 1/2 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने डाल दिया 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को बीच से आप स्लिट कर दें। इसके बाद मैं धीरे धीरे कटा हुआ शिमफली और एक मीडियम साइज का आलू को भी मैं इसमें कट करके ऐड किया। आप चाहे तो आलू को लंबा शेप में भी कट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से कुक कर लूँगी। तो आप देख ही रहे हैं कि शिमफली और आलू का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसी टाइम में मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट अनुसार नमक और साथ में ऐड करना है आपको 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। तो नमक अब टेस्ट के हिसाब से आपको डालना है। बस फिर से मुझे चलाना है और ये सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स करना है। फ्लेम को आप मीडियम फ्लेम पे रखिए। धीरे धीरे शिमफली और आलू जो है वो एकदम कुक हो चुका है। तो अब मैं लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये अंदर से बॉयल हो जाए। तो एक बार चेक करना है कि ये बॉयल हुआ या नहीं। तो ये ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है और इसी टाइम में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब पानी। और पानी ऐड करने के बाद मैं फिर से इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो एकदम ये फुल्ली कुक हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है खसखस और सरसों का पेस्ट। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, 1 टीस्पून के करीब सरसों और 1 टीस्पून के करीब खसखस यानी कि पोस्ट। तो आपको अच्छे से पेस्ट बनाना है, वो भी 2 हरी मिर्च के साथ। और थोड़ा सा पानी डालकर आपको ये पेस्ट बनाना है। इसके बाद ये जो मिक्सचर है सरसों का, ये आपको शिमफली में ऐड करना है। इससे क्या होता है कि बहुत टेस्टी बनता है ये शिमफली की सब्जी। और ये सरसों का पेस्ट ऐड करने के बाद आपको फ्लेम को रखना है एकदम लो पे, वरना जो पेस्ट है ना ये एकदम कड़वा हो जाएगा और इसको ज़्यादा देर तक आपको नहीं पकाना है। सरसों और खसखस का पेस्ट ऐड करने के बाद आपको 2 मिनट तक पकाना है, वो भी एकदम लो फ्लेम पे। तो आप देख ही रहे कि इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है और जो सब्जी है वो धीरे धीरे थिक बन रहा है। इसका मतलब ये जो शिमफली का सब्जी है एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं ऊपर से स्प्रेड कर दूँगी मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तो ये देने से क्या होता है, सब्जी बहुत स्मूथ बनते हैं और एक बहुत सुंदर स्मेल आते हैं। तो ये मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद मैं फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका कलर भी अच्छा आए। तो एकदम रेडी हो चुका है झटपट वाली रेसिपी शिमफली की सब्जी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आते हैं और अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल राखीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो रहता है बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो 2 हरी मिर्च है ये है एकदम ऑप्शनल, अगर आपको पसंद नहीं है तब स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये देने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए स्टीम राइस के साथ। तो चलिए फिर आती हूँ मैं एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।